Prorata allotment of shares. Company ने issue किए हैं 80,000 shares और applicants receive हुए हैं 120,000 shares. और कंपनी ने बिना रिजेक्ट किए क्या किया है, 40,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं उनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की बात की है. और जो फेस वैल्यू है शेयर्स की 100 रुपीज़, उसको कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मंगाया है. तो एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ प्लस प्रीमियम. फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 20, पर जो फाइनल कॉल पे 20 है वो कॉल नहीं किया है अभी. तो अभी हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यहाँ पे रियल पर्सनल अकाउंट काम देगा. बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे हम जो बंदा पे कर रहा है मतलब शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हर शेयर होल्डर्स का नाम लिखेंगे तो बहुत सारा अकाउंट खोलना पड़ेगा. इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पर यहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेशन अमाउंट से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो है अप्लाइड से करेंगे. इशूड से हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा पूरा अप्लाइड से है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36 लाख. अब इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को क्रेडिट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा कैपिटल बढ़ रहा है. और कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, हम लोग उसी अमाउंट 80,000 जो इशूड किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट, क्योंकि इशूड से हम ज़्यादा कैपिटल में डाल नहीं सकते. तो 80,000 × 30 = 24 लाख. और जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है, जो 40,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिखाया है शेयर्स, उसको इंटू करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट से और हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे. अब ये एंट्री हो गया. अब हम सेकेंड एंट्री पे जाएंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. मतलब हम लोग एक तरह से कहा जाए तो शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि भाई पैसा दो, नोटिस भेजेंगे. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. यहाँ पे प्रीमियम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखना अलॉटमेंट में 20 रुपीज है प्लस 10 है. 20 कैपिटल का अमाउंट है, 10 प्रीमियम का अमाउंट है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से जितने भी हम लोग इंटू करेंगे वो इशूड से ही करेंगे, अप्लाइड से नहीं करेंगे, क्योंकि अब जितना एक्स्ट्रा आया था वो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं. तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ वो आपको पता है. सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है. तो 8 लाख इधर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में 16 लाख. अब इस पैसे को हम रिसीव करेंगे. तो जब हम रिसीव करेंगे तो हमें पता है कि अलॉटमेंट में कितना आना है, 24 लाख. पर उसमें से हमने कितना है, यहाँ पे देखो सेकेंड एंट्री में हमने एडजस्ट कितना कर दिया है, 12 लाख एडजस्ट कर चुके हैं. और आना कितना था, 24 लाख, 12 हम एडजस्ट कर चुके हैं. तो मतलब अब कितना आना बाकी है, 12 लाख. अब कितना आना बाकी है, 12 लाख आना बाकी है. पर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक ए, मिस्टर ए है जिसका अलॉटमेंट में दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि उसका अलॉटेड शेयर है 1600. तो हम लोग उसका अप्लाइड भी निकाल लेंगे. तो अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो हमें अलॉटेड दिया है ना, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 80,000 इशूड जो है इज इक्वल्स टू 1600 मतलब अलॉटेड. तो जो अप्लाइड है 120,000, उसमें मिस्टर ए का कितना शेयर होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 1,20,000. मतलब 2400 उसने अप्लाइड किया है, तो इसके वजह से हमने 2400 अप्लाइड निकाल दिया है. अब देखना उसका अलॉटेड है 1600 और अप्लाइड किया है उसने 2400. अब अलॉटमेंट में दिया, क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया है. अलॉटमेंट में कितना रुपए आना था, 20 प्लस 10 मतलब 30 रुपीज़. तो हम लोग 16 × 30 करेंगे